जो जेंडर अपने आप को खुद हैरेसमेंट के लिए पेश करे, इसलिए कि भाई समझ इतना मिल रहा है जब पपियों और जखियों की लूट शेयर सेट पे लगा। अब तो मुलाकात में देखो कैसे हो रही है, अब कोई लड़का लड़की दोस्त है या जानने को लीग्स है, अगर वो मिल भी रहे हैं तो सीधा बजेंगे एक दूसरे के अंदर। खबीसों को जरूर जलील करना चाहता हूँ, सब समझ गया मेरे पास, जो उस खातून को देख के टपका रहे होते हैं, वो खातून झुंझुला के वो रात टपकाने की और कोशिश कर रही होती है, तो कहती है आओ आओ और आओ। आई समझ मेरी बात की बढ़ गई डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ गई हैरेसमेंट, और अंजाम देखे डिक्टेटर्स का, अंजाम देखे डिक्टेशन का, हाँ बहुत कुछ। कैसे वक्त आपने बुलाया है, जबकि जुबानबंदी का दस्तूर जिस किस्म का मजबूर महसूल दौर अब है तो मैंने कभी किसी माशाल्लाह को नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको अपने अगले पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आज की पर्सनालिटी, आज के गेस्ट मेरे लिए बहुत काबिले इज्जत हैं, और एक अहम बात उनकी ये है, सीखा मैं उनसे बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज जो मैंने उनसे सीखी है, स्पीक योर हार्ट आउट। जो आपको सही लग रहा है, जो आपको लगता है कि जमाने में होना चाहिए या जमाने के लिए ठीक है, वो अब बोल दो, अपने दिल की बात करो। तो आज हम दिल की बातें करेंगे डॉक्टर आदिल उमर साहब। डॉक्टर बहुत शुक्रिया सर, बेइंतहा मेहरबानी, लेकिन कैसे वक्त आपने बुलाया है, जबकि जुबान बंदी का दस्तूर है और उसमें स्पीकिंग योर हार्ट आउट इज एब्सोल्युटली नॉट डन। मैं वाकईतन समझता हूँ कि जिस किस्म का मजबूर महसूल दौर अब है वो मैंने कभी किसी माशाल्लाह में नहीं देखा बिल्कुल, या अगर देखा था तो ये तो पता था कि माशाल्लाह है, अब तो है भी और नहीं भी, सर यही जो है कंफ्यूजन, दिस इज गोइंग टू लीड टू समथिंग बैड, ये हमेशा आप लिख कर रखेंगे। अच्छा हो रहा है, आप किसी भी रियासत के अंदर अवाम की उमंगों और ख्वाहिशों को कब तक दबाएंगे? अवाम एक स्प्रिंग की तरह होता है, आप जितना दबाते जाते हैं उसके अंदर लेटेंट एनर्जी भरती जाती है, जिस दिन अंगूठा उठा या अवाम की बस हो गई तो वो स्प्रिंग इस कदर जोर से स्प्रिंग करके आपके मुंह पे पड़ेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। नोबडी एंड एब्सोल्युटली नोबडी, इवन द वर्स्ट ऑफ डिक्टेटर्स हैव बीन एबल टू डिक्टेट फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड बियॉन्ड दैट। तो मेरा ख्याल में जो भी लोग हमारी ये प्लानिंग कर रहे हैं वो दुनिया की तारीख से कुछ सबक हासिल करें और अंजाम देखें डिक्टेटर्स का, अंजाम देखें डिक्टेशन का, और अंजाम देखें आवाम की उमंगों को दबाने का। दिस इज अ गुड मशवरा, और जो बंदा मशवरा नहीं लेता ना, यकीन दीजिए वो हमेशा गुमराह हो जाता है, और गुमराह शख्स को भी मंजिल नहीं मिलती, वो भटकता रहता है, और जो भटकते रहते हैं वो जंगल के जानवरों का शिकार हो जाते हैं। समझ आई आपको भी नहीं? समझाना चाहता, आपने समझा दिया सर, ये तो आपकी समझ पे है ना। ये आपकी शिकायत है कि फरमाइए आप बहुत सर, सर सच बोलते हैं सर, नहीं सर मैं सच बोलते हैं, पहली बात है कि मैं बहुत बोलता हूँ। इसलिए अगर आप एक खास किस्म के ब्रॉडकास्ट टाइम पे आए हैं, ब्रॉडकास्ट टाइम बड़ी महंगी और कीमती चीज होती है, उसमें अगर आपने चुप करके लंबे लंबे पॉज लेने हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये काम मत कीजिए। दूसरी बात है, अली हैदर मैं एक बहुत बुरा मेहमान हूँ, इसलिए कि मैं होस्ट हूँ। जो शख्स होस्ट होता है वो किसी का मेहमान हो तो उसको बोलने नहीं देता सर, बिकॉज द होस्ट वांट्स टू कीप द ग्रिप ऑन द एंटायर ट्रांसमिशन। जिस आप देखिए ना, आप मुंह करते जा रहे हैं, मैं भी चला जा रहा हूं। अच्छा दूसरी बात, आपको एक और बात कहूं, मैं समझता हूं कि जो आपका ट्रांसमिशन टाइम है उसको आप अगर बातों से नहीं भरते, मसल में अगर बात बताऊ, आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं, क्योंकि हर ड्रामा जैसे माशाल्लाह वो 36 एक साथ में होता है, तो अगर मैं एक ड्रामे को एनालाइज करूँ एक एपिसोड को, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता कैसे, 35% फ्लैशबैक, yes, exactly. हीरो को याद आ रहा है कि हीरो ने उसको इसी किस्त में क्या कहा था, फिर याद आता है कि तेरी किस्त में क्या कहा था, वो पूरे एक मॉन्टाज बन गए, वो तकरीबन 7.5 मिनट उसको गुजर जाते हैं। फिर हीरो का सीन लेते हैं, हीरो काफी देर बैठे सोच रहा है, उठ के वहां जाता है, खिड़की खोलता है, खिड़की खोलने के बाद नीचे देखता है, उसको याद आता है कि हीरो ने उसको 7वीं किस्त में क्या कहा था, और 17वीं किस्त में क्या कहा था, और 36वीं किस्त में क्या कहा था, वो गुजर गया। तो आप जब इस तरह शरबत पतला करते हैं और शोरबा पतला करते हैं, हमारे जमाने में अगर मेहमान ज्यादा हो जाते थे तो लोग उबल से पानी के अखबार जम जाते थे। आजकल आपके ड्रामा बनाने वाले भी हैं, क्योंकि किस्तें लंबी करती है, उसका पैसे ज्यादा मिल गए, और शायद आवाम को भी हुकअप किया हुआ है, तो यकीन कीजिए पतला शोरा फिक्का शरबत बेच रहा है। मैं इसी पे आना जा रहा था। अच्छा मैंने ज्यादा बोलने वाली बात की, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की, यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पर से आप नहीं बोलेंगे तो मेरा काम मुश्किल करेंगे, ज्यादा बोलने से बुलाए थे कि डॉक्टर आदिल उमर ज्यादा बोल रहे हैं और सच बोल रहे हैं, जो कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। मैं ड्रामास पे आऊंगा, मेरा फेवरेट टॉपिक है सर, लेकिन पहले इसको जरा हम कंक्लूड करते हैं कि डॉक्टर आदिल उमर का ज्यादा बोलना और सच बोलना ये कैसे कर रहे हैं आप आज के दौर में? सर उसकी वजह ये है कि अभी तक किसी ने मुझे अपने पेरोल पे नहीं रखा,
कोई रख मेनू तनखा दो मैं सिर्फ जो तुम कहोगे वो बोलांगा जिन्हों कहोगे उन्हें बोलांगा और अगर अपनी तारीफ करवानी तो उसके रेट से रखे कोई सौदा तो करे पाई खुद आदा वास्ते हमारे यहाँ हिस्सा ये है कि अब बोलने की भी कीमत है और चुप रहने की भी कीमत है और ये लोग समझते हैं कि हम सब बड़े हीरो हैं यकीन कीजिए हम सब पेड़ ये समझ आई मेरी बात हजूर वाला बुरा रमानी का मेरी बात का मुझसे भी बहुत जरूरतमंद लोग थे जिनकी आज कब्र के अंदर मिट्टी गल रही है वो जिनके कहने पे बोल रहे थे तब तक बोलने दिया गया जब कहने वालों का मिजाज बदल गया और उन सब जानते हैं आप तो उसके बाद में कहते साडा कुत्ता सानू कहू आप यकीन कीजिए ये है आज बोलने वाले की बुकत ये है आज बोलने वाले की कीमत और उसकी जिंदगी की हकीकत आप एक हद से ज्यादा बोल के दिखाइए ताकि कि आपके पीछे किसी की थपकी और हाथ नहीं है मजाक है दूसरे दिन नजर है आपके चैनल्स के ऊपर कितने लोग करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते थे वाह 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 भाई बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा लोग आज जब वो बोलते हैं तो साफ लगता है कि इस सांप का डंग निकल चुका है देयर इज नो स्टिंग इन द स्कॉर्पियन नाउ बात यह है कि भैया जब आपका डंग आपका जहर आपका स्टिंग सब डिक्टेटेड है तो फिर बोलना कैसा और मर्जी कैसी और जरूरत कैसी ये तो सब एक ऑटोमेटेड पपेट्री है ऑटोमेटेड पपेट्री मानी है मेरी अंग्रेजी बड़ी अदब है तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप यकीन कीजिए कि कुछ पपेट्स ऐसी होती है जो पपेटर चलाता है आजकल तो पपेटियर हर पपेट के ऊपर है ही नहीं है आजकल तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे बात है रिमोट कंट्रोल किया देखा किसी ने कितना कैसा बोलना है इसलिए बात यह है कि एहतियात लाजिम है मैं समझता हूँ मगर आप तो नहीं कर रहे मगर भैया देखिए मेरी बात सुनिए आपको क्या पता मैं कितनी एहतियात कर रहा हूँ एहतियात तो बात हारे सोचो बगैर एहतियात देखिए हम समझते हैं कि एहतियात की एहतियात करनी चाहिए मगर किस हद तक इतना भी नहीं मुहताज होना चाहिए मुझे बचेगा बिल्कुल साधु की अच्छा खैर लेकिन अगर बात यह है कि वी आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड वी स्टिल हैव टू रिटेन द पावर टू स्पीक आउट इफ वी डू नॉट देन वी आर अ डेड नेशन वी ऑलरेडी आर अ नेशन which is completely considered dead, mindless, and without actually any aspirations of their own. मैं इसी पे आ रहा था। Yes, right. We are dead, we are mindless, we are strained. अब मुझे एक बात समझ नहीं आती है। डॉक्टर आदिल उमर बात कर रहे हैं। मुझे इस बात का यकीन है सर। ये पॉडकास्ट जिस दिन ऑन एयर होगा, people will watch it, सराहेंगे, देखेंगे, but एक चीज रहेगी, उतने views नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। जितने एक मस्करापन करने वाले यूट्यूबर को अपनी फैमिली को कंटेंट बना के अपनी बीवी की कबर खोल के या उसके बाथरूम में घुस के दिखाने वाले को मिलेंगे जिसके तरफ मेरा इशारा था वो समझ गया होगा सर प्रॉब्लम ये है मैं देखता हूं इंडिया के पॉडकास्ट में देखता हूं इंडिया के यूट्यूबर्स को फुल ऑफ इंफॉर्मेशन उनके मिलियंस में व्यूज होते हैं देयर बीइंग अप्रिशिएटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट वी आर डूइंग सर ये हो क्या गया हमारी मेंटल लेवल देखो मेंटल लेवल को ये बहुत बात और आप मेरी बात समझिए पिछले तकरीबन 25 साल से आपने सिर्फ जुगतबाजों को और भांडों को टेलीविजन पे बिठाया हुआ है आपका हर चैनल जो है उसका जो मेन एयर टाइम के अंदर चैनल ड्राइवर है और इंजन है चैनल इंजन जो है वो एक ऐसा शो है जिसके अंदर एक साथ सियाने बैठे हुए हैं चार भांडे बैठे हुए दो गुड़िया की तरह सामने बैठी है और अब तो पूरी ऑडियंस थी माशाल्लाह भांडों की बारात बिल्कुल जो उतना हिस्सा लेती है प्रोग्राम में जितना कि प्रोग्राम करने वाले लेते हैं जब आपने 25 साल एक नेशन को सिर्फ मजहका खेजी जुगतबाजी जुमलेबाजी और घटिया मिजाज पे लगा दिया है तो फिर उनको मिजाज क्या बचेगा मैं आपको सिर्फ किसी बात बताऊं आपके यहाँ कचनार गोश्त नहीं पकेगा अगले महीने बहुत सारी कचनार आ जाएगी और आपके बच्चे आप कहेंगे कचनार नहीं खाते इसलिए कि आपकी बेगम को कचनार पकानी नहीं आती जिस चीज पे आप अपने बच्चों को पालते नहीं है दे डू नॉट डेवलप अ टेस्ट फॉर दैट आपने अपनी पूरी ऑडियंस को पूरी कॉम को किस चीज पे पालना शुरू कर दिया है जुमतों पे और जुमलाबाजी पे मेरी बात सुनिए उसके बाद क्या कोई सीरियस कंटेंट उनको समझ आएगी सर यू हैव सिस्टमैटिकली डीरेंज्ड एंड डिवॉल्व्ड योर ऑडियंस एक होता है एवोल्यूशन ऑफ ऑडियंस आप ऑडियंस आहिस्ता बेहतर कंटेंट देते हैं वो मेंटली इवॉल्व करते हैं और उसके बाद वो बहुत सा अच्छा कंटेंट मारते हैं बिकॉज वो उस पे लग गए होते हैं आज आप किसी को क्या दीजिएगा आपने बिल्कुल सही कहा कि एक साहब है जो कि को मजहका फेस बात करते मतलब मैं दुख के साथ एक बात में कहूँ हम भी इस प्रोग्राम में ऐसी बातें करेंगे ताकि हमारे भी लाइक्स और व्यूज बहुत उसकी बात देखें मेरी बात सुनिए अभी मैं इसका शुरू कर देता हूँ थिएटर की डांस रूम की आपस की लड़ाई थी और बाजी खुशबू आए बाजी खुशबू ने आगे किया ये किन्ने मेरे नानी क्या नहीं तो गश्ती तेरा ओ तेरा सुधा सी स्वर्ट को ना काट ये ऐसी
आपकी फिल्म सेंसर बोर्ड ना बन जाइएगा, ये कम से कम फिल्म सेंसर बोर्ड में बूट और प्रिंट पेश करें। जो पहली सर मेरे पॉडकास्ट का नाम है अली हैदर अनसेंसर्ड। खातून है जो किसी की चौथी बीवी है और वो चौथी बीवी है वो मेरा चौथा हस्बैंड वासी ओने वाह कीता वो भी चौथा मेरा पंजवा नंबर समझ गए होंगे आप रास्ते समझे नहीं तो मैं आपको खोल के बताता हूं। सर हमारे प्रोड्यूसर थे हमारे जानने वाले मिस्टर की प्रोग्राम किया करते थे वो मुझसे पिछले दो हफ्ते से उन्होंने बात नहीं की इसलिए उनको मुझसे बेहतर कंटेंट मिल गया है उनको अमीरा मिल गई है जो हर चैनल पे बैठ के अपना चगा चुप के तू नहीं प्रोग्राम पेश कर रही है। ओहो ये आपकी बात इतनी सच्ची है हमें इतना बतौर हैसियत कौम में देखता हूँ सर मेंटली इतने वाकई डिवॉल्व हो चुके हैं। व्हाट वी वांट इज हम लोगों की इंटरनल लाइफ में वी वांट टू टेक अ स्नीक पीक। लेकिन प्रॉब्लम सर ये है मैं आज के बच्चे से पूछता हूँ ना सर कि मैं तुमने क्या बनना है मैं एकदम यूनिवर्सिटी गया है वो कहते जी हमने यूट्यूबर बनना है कौन से वाला बनना है वो अपनी रूबरू ये देखो मेरी वाइफ आ गई है ये देखो ये अम्मी क्या कर रही है मेरा लाल धुआना निकल आया इस तरह की बातें कर और सर ये पैसे कमा रहे हैं उस अगले ने 5 करोड़ की गाड़ी ले ली है सर आप बिल्कुल अभी फरमा रहे हैं तो लोग तुमको इंस्पिरेशन समझेंगे। जब मैं डॉक्टर बन रहा था तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी जी बहुत कम लोग थी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में यस 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 आज मैं सोचता हूं मैं किसको कन्विंस करूं कि तुम मेहनत करो पढ़ाई करो नंबर लो और फिर 5 साल रगड़ के इंडियन डॉक्टर बनो। व्हाई वुड दे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं देखिए चूंकि मैं मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करता हूं तो मुझे अंदाजा है कि क्या पेमेंट है रिम्यूनरेशन क्या है इस चीज में। हमारे यहाँ एक डॉक्टर होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी को हेड करते हैं उनका नाम होता है वाइस चांसलर ऑफ दैट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो अपने को बहुत टॉप समझते हैं बहुत टॉप समझते हैं। मैं कई दफा उनको अपनी हैसियत याद करवाता हूँ। हमारे यहाँ एक वाइस चांसलर की जो तनख्वाह है वो तकरीबन 5.5 लाख होते हैं सीधी सी बात आपसे कहूँ और उन्होंने काले माले और भी किए होते हैं दो दो जॉब्स कर रहे होते हैं इधर भी कर रहे होते हैं उधर भी कर रहे होते हैं सेक्रेटरी हेल्थ को भी मनाया होता है मिनिस्टर हेल्थ को भी मनाया था कुछ मान गया ये कोई डायरेक्ट चीज तो नहीं है बड़ी बड़ी खाच ये सारी मानी। मैं जब वो मुझे बहुत ज्यादा अपनी दो बन के दिखाते हैं मैं कहता हूँ आदेरी की है सीओ पे यार मैं कल प्रोग्राम में कैसा फलां 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 पे उसे चार फंड बैठे साथ मैं एक ने पूछा यार कैसा पिया तेरे किन्ने पैसे मिल रहे हैं उन्होंने कहा डॉक्टर साहब की करिए इस तरह चैनल पर ही देता सी इन्होंने 28 देता तो मैं देते आ गया। सर बिल्कुल सही कहा उसने उसको अपनी मेहनत का इसलिए मिल रहा है कि देने के लिए सेठ तैयार है सेठ इसलिए देने के लिए तैयार है कि सेठ की तिजोरियां उनके या तो प्रोग्राम की वजह से भर रही है या जिस वजह से भर रही है उनको ये प्रोग्राम मास्क कर रहा है आप समझ गए। अच्छा अब भैया एक वाइस चांसलर क्यों पता नहीं कितने तलवे चाट के कितनी ब्यूरोक्रेसी के तलवे चाट के वहां बैठा हुआ है यकीन कीजिए क्या कंपैरिजन रह गया। तो हजूर वाला इस बात में से दो बातें निकलती है जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो किसी का काम को हकीर ना समझे और किसी और को हकीर ना समझे। इस दौर में जिसकी अल्लाह ने सुनी हुई है उसकी गुड्डी चढ़ी हुई है आपकी गुड्डी अगर नहीं चढ़ी और तुम्हारा माजा अगर बड़ा ज्यादा कमजोर है तो की किया जा सकता है। सो दीज आर डिफरेंट आप जस्टिफाई डॉक्टर साहब कर रहे हैं उन लोगों को जो इस तरह का लिटरल कंटेंट दे के पैसे भी कमा रहे हैं और आवाम को भी मैं एक बार बता रहा हूँ ये बातें आज आप अफसोस कर रहे हैं। जब आपने ये सब कुछ शुरू किया था आपके हर चैनल ने शुरू किया था तब सोचा नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा तब सोचा नहीं था कि एंड रिजल्ट क्या होगा तब क्या ख्याल था आपका। उस वक्त तो सिर्फ रेटिंग की जान थी उस वक्त तो सिर्फ ये था कि यार इनको इतने पैसे कर दिया दूसरा चैनल तोड़ लगे। सर 25 साल से मैंने सिर्फ चैनल्स को एक काम करते देखा है या उन तोड़ रही है या उन तोड़ रही है या उन तोड़ रही है। हमारे यहाँ एक एक होस्ट ऐसा है जो कि 6 चैनल्स पे काम कर चुका है इसका मतलब है कि उसकी मांग थी कि नहीं उनने छोड़ा तो उनने ले लिया उनने छोड़ा तो उनने ले लिया उन्हें छोड़कर का किसी करोड़ का महीना सेट करो कर रहे हैं कि बनाओ कंटेंट सालों से प्रोग्राम देते रहो आई समझ की बात नहीं हजूरे वाला जिस चीज की इतनी मांग है जिसकी इतनी खपत है उसका बाजार कभी ठंडा हो गई आई समझ आपको मेरी बात नहीं। आज मैं अगर आइस पूरे मुल्क में बेच रहा हूं तो क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए कि मुझे तो नफा हासिल हो रहा है इस नस्ल का इस कौम का इस मुआशे का क्या बनेगा। आइस से मुझे याद आया खुदा का वास्ते कोई मनशियात की बात नहीं करता सर ये भी जो हमें आप चटाते रहे हैं ना ये भी एक खास किस्म की ज़हनी आइस थी जो आप अपने प्रोग्रामों में चटाते रहे। आइस का मतलब ये है कि भैया बहुत सस्ती मिलती है आजकल
आप एक किचन में बैठ के बना सकते हैं। मैं सर सुबह वार्ड राउंड करके आया, मेरे वार्ड में एक गरीब तरीन अस्पताल है जिसको मैं देखता हूँ, उसके अंदर एक वक्त के अंदर तकरीबन 5 या 7 आइस के एडिक्ट्स होते हैं। दिस इज द अमाउंट, सस्ती बहुत है सर। आपको गेंद जो है वो आपकी 27,000 रुपए ग्राम है, आइस जो है वो तकरीबन 500 मिल जाती है। अच्छा बात सब ये है कि किसी भी शोबे में आपको ये जरूर देखें कि जो कुछ आप कर रहे हैं अपने वक्ती मुनाफे के लिए उसका अल्टीमेट असर एक सोसाइटी पे क्या होगा। क्या कभी आपके चैनल से बैठ के ये देखा कि ये एजुकेशन है इस कॉम की, ये इस कॉम की इंफॉर्मेशन है, ये इंफोटेनमेंट है, इसको इन लाइनों के ऊपर उस्तवार करना चाहिए। आपके यहाँ किनारा है टैमरा, मेरा दिल करता है कि मैं टैमरा के दरेबान को पकड़ कर यूं झूठूं कि तुम लोगों ने कभी देखा था कि क्या होनी चाहिए कि रेगुलेशन ऑफ मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपने कभी कहा था कि इतनी जुटते इस तरह की जबान, पंजाबी का ये तर्ज, किसी की शक्ल बातें बनाना, ये अल्टीमेटली किस किस्म के बच्चों को जन्म देगा। आपका सिर्फ एक काम ये है, किसी किस्म का सर्वे ना दिखाए। हजूर वाला खुदा का वास्ता है, आप जो जो करना चाहते हैं आप वैसे ही एक दिन दो शेरवानियां ले काली, उनको हल्फ दे और कहें लो जी कौम वाले लड़ना लड़ा आ गया। अल्लाह का फैसला हजूरे वाला, अपने आप को नंगा जरूर करें, नंगा होके नाचे मत, क्योंकि नंगे नाच से ज्यादा किसी इदारे के लिए घटिया बात कोई नहीं होती। सर आप कहते हैं ना सर, आप इलेक्शन कमीशन को देखें, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। आप यकीन कीजिए हमारा करंट इलेक्शन कमीशन और मुझ पर तो नहीं लगा देंगे, एक दफा अपने गरेबान में देखें कि आपने कौन सी राह हमवार की है इलेक्शन करवाने में, कौन सा बहाना, कौन सा उजर, कौन सा एक्सक्यूज नहीं दिया इलेक्शन करवाने के सिलसिले में। हजूर मैं दूसरी का आपको बात कहूं, मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट साथी, इनका सिर्फ एक काम होता है कि आप इलेक्शन करवा के जमहूरियत की राह हमवार करें। हमने ये पहली केयर टेकर गवर्नमेंट देखी जिसका सिर्फ एक काम है कि इलेक्शन ना हो या कम से कम जमहूरियत की राह हमवार हो। तो खुदा के लिए इफ पीपल आर नॉट डूइंग देयर ओन जॉब्स, ultimately they are going to end up as a completely corrupt, mentally deactivated nation. आप कहते हैं बातें बहुत करते हैं, सब बातें बहुत चुप करते हैं। मुझे बहुत गिला है आजकल आपके जो शायर हुआ करते थे सर, मेरे जमाने में मजहमत की शायरी एक बहुत बड़ी शायरी होती थी। अच्छा उसमें बहुत लोगों के नाम थे, फैज को और फराज को और जालिब को, कितने लोगों के नाम थे। आज जितनी शायरी हो रही है और जितनी सरकारी सरकारी सरपरस्ती शायरी को हासिल है, आप यकीन कीजिए अकादमी अखबार फलाना मेरे हाथों का कंगन, तेरे हाथों की माला, तेरे कानों का बुने मुंह और फलाना खुदा का वास्ता है, लिमिट होती है। रुमानवी शायरी भी बहुत सस्ती है, रुमान जो मैं रिसीव समझता हूँ, रोमांस जो है ना वो एक बड़ा वक्ती किस्म की चीज है सर, उससे बहुत आगे लेवल्स हैं मोहब्बत के। हजूर वाला जिस शख्स को अपने वतन से मोहब्बत नहीं, जिसको अपनी इज्जत नफ्स से मोहब्बत नहीं, जिसको अपने मुस्तकबिल से मोहब्बत नहीं, अल्लाह करके वर जाए वो लड़की जिसके रोमांस में हुई घटिया शेर उड़ा उड़ा के तो उसका SMS करके भेज रहे हैं, बस कर दीजिए दो बस। अगर अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहे कि कायदे आज़म की कही हुई बात को इतनी भी ऐसी नहीं कि मतलब उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता या रिविजिट नहीं किया जा सकता, अगर ये कहा जाए कि देखें ये आप जो है आवाम जो है वो बतंगड़ बनाती है बातों का, सर प्रॉब्लम ये है कि जुबान बंदी हो गई, जहन साजी कर दी गई, आवाम को लुच्चर किस्म के मवाद पे लगा, नशे पे लगा दिया गया, तो सर पीछे तो बचे ही कुछ नहीं। सबसे पहले नजर आ रहा है वज़ीर आज़म की बात करते हैं जो ये कहे कि कायदे आज़म की कही हुई बात तब पे लकीर नहीं है, इमरान के रिविजिट है। तो सर ये वज़ीर आज़म वही तो नहीं है कहीं जो यूनिवर्सिटी में जाता है प्लांटेड विजिट के अंदर बिला वजह और बच्चों के हाथों जलील होता है। ये वो वज़ीर आज़म तो नहीं जिसके बारे में सारी दुनिया ये कहती है कि ये हैंड चोजन पपेट है। ये वो वज़ीर आज़म तो नहीं जिसके आने से पहले वज़ीर आज़म को एक पर्ची थमाई गई थी कि आ जाके अनाउंस करो कि ये हमारा नया वज़ीर आज़म है। हजूर वाला ये कहीं उनका कारिंदा और गुलाम तो नहीं, उसको वजीर आजम कहने से पहले सोचिए। मैंने जो आपको मिसालें दी हैं, अगर जिस वजीर आजम का आप जिक्र कर रहे हैं इन सारी क्लासिफिकेशन पूरा होता है तो भैया वो तो कल उठ के ये कह दे कि हदीस भी मानना जरूरी नहीं है तो क्या किया जाएगा, क्या कर लेंगे आई समझ आपको मेरी बात बिल्कुल। हजूर वाला कहने वाला जो कहता है वो अपनी हैसियत को नंगा करता है, कहने वाला जो कहता है वो अपनी ज़हनियत को आपके सामने खोल के रख देता है, और कहने वाला जो कहता है वो बता देता है कि मेरे आका कौन है।
जब उसने अपना पहले कोट लाया फिर टाई लाई फिर कमीज लाई चड्डी से गल लाई तो वो भी ला देती तो बाकी ही रह गया। ये हर उस शख्स के लिए है जो अपना जमीर बेच देता है। और सर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमने बात कर ली थी कि किस तरह से खास किस्म का कंटेंट टेलीविजन पे उसके बाद सोशल मीडिया पे दिखा के लोगों को बिल्कुल अजीब एक पपेट्स बना दिया गया और बेशर्मी वाहियाती और अदब अदाब बड़ों का अदब वो सब भूल के खत्म हो गया। अच्छा सर इससे पहले एक प्रॉब्लम था, इससे भी पहले मैं जाता हूं, उससे पहले ये काम जो आज यूट्यूब कर रहा है, मैं बड़ी माजरत के साथ और बड़ा ही संभल के यह जुमला अदा करने जा रहा हूं, वो कभी मस्जिद का स्पीकर किया करता माजरत के साथ। मैं ये नहीं कह रहा खुदा खासा के वहां से कोई फाहश बात होती थी, लेकिन वहां से जो जहर साजी होती थी उसके लिए आप मेरे लिए काफिर थे, मैं आपके लिए काफिर था। वो भी एक खतरा था, ये भी एक खतरा है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अब दोनों मिक्स हो गए हैं, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। बिल्कुल यूट्यूब पे आपको मिल रही है वो चीज और वही यूट्यूब या वही सोशल मीडिया उसको हमारे उलमा हजरात ने भी संभाल लिया है और वहां पर भी वो इक्वली आपकी नजर जो है वो आम यंग यूट्यूबर के अलावा उन आलिम दीन पे भी है कि जो कि सारा दिन यूट्यूब पे बैठे हुए। सर मेरे जानने वाले हैं दिन में छह उनके पॉडकास्ट आते हैं, ये छह व्लॉग्स आते हैं और वो छह में से चार क्या होते हैं, इंजीनियर फलाने को जवाब, फलाने डॉक्टर फलाने को जवाब। भाईजान वहां पर सडन डिबेट ही चल रही है, हर इशू के ऊपर आप अपना मसलक अपना अकीदा हमें बता रहे हैं, खुदा का मसला है, एक दूसरे के जवाब दें और जवाब किस जबान में दिए जा रहे हैं। सर जो रवादारी किसी भी मजहब में होनी चाहिए वो हमने खा बैठे हैं, मगर देखिए मैं एक बात सुनिए, यू कैन नॉट स्टॉप दिस। ये बातें होती है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की ऑफ नेशन। आपने कभी सोचा था कि हमने लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग ऑफ नेशन, एक बात बुरा बनाएगा, आप भी मुख्तलिफ चैनल्स के लिए काम करते रहे, मैं भी मुख्तलिफ चैनल्स पे आता जाता हूँ, काम तो मुझे कोई देता नहीं इसलिए कि किसी को मैं हजम नहीं होता और ना मैं चाहता हूँ आपके बात तो बिल्कुल नहीं। सर मैं नहीं कभी भी नहीं हजम हुआ, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, उसकी वजह यह है कि सर हमारे यहाँ जो जितना मीडिया है वो एक मींस है एक सेठ के लिए एक और पावर क्लाउड और एक पैसा कमाने। सर जी अगर मेरी सपोज कीजिए यूनिवर्सिटी है और बड़ी कामयाब चल रही है, मैं यूनिवर्सिटी के इश्तेहार देने ने तो मैं कहा यार जिन्हें इश्तेहार देने तेनू या मैनू या उन्हें जितना अमला चैनल पे रखा हुआ है आपने सिर्फ ऊपर बैठे हुए अपने दो तीन खलीफों को तनख्वाह देनी है, नीचे प्रोड्यूसर लाइट मैन कैमरा मैन सफाई करने वाला टी बॉय छह महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती। मुझे एक चैनल का नाम बताएं जहां वक्त पे तनख्वाह मिलती है, जहां पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है अपने मुलाजमीन की, जहां पे हर एंकर मजबूर नहीं है, जहां पे लड़कियों के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जिसको दोनों हाथों से हक खा रही है। सर ये खवातीन बड़ी जालिम नस्ल है, जब तक औरत को डिस्क्रिमिनेशन में से फायदा नहीं होता तब तक उसको डिस्क्रिमिनेशन अच्छी नहीं लगती। सर मैं सीधी से आपको बात बताऊंगा, सर आपने बात सुनी, आपने भी रमजान ट्रांसमिशन की, मैंने भी रमजान ट्रांसमिशन की हुई है। सर मैंने अपने कानों सुना डॉक्टर डेकोरेशन मसल चाहिए ना, सर एक दफा नहीं मेरी, सर बाकी क्या मतलब हुआ हदों की तुम दस कुड़ी के बगैर कभी की समझ आई नहीं। सर दूसरी बात आपने एक सिंपल सी बात सुनी, एक साहब होंगे बहुत बड़े अल्लामा अपने आपको समझते हैं जो भी होंगे वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर थे पड़े हुए रिसर्च में समझ आ रही है आपको मेरी बात की और सब कुछ बता रहे हैं, जब तक सामने बैठी हुई लड़की नहीं करती हो जब तक थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका क्लोज फ्रेंड नहीं बनता और जब तक वो उतलाई हुई जबान में ये पूछती मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कवानीन बने हैं कि खवातीन को हरेसमेंट किया जाए। सर जो नस्ल जो जेंडर अपने आप को खुद हरेसमेंट के लिए पेश करे इसलिए आई समझ इतना मिल रहा है, ये वो एक ऐसी चीज थी जो मैं अक्सर डिस्कशन में लाने के लिए घबराता था। थैंक्स टू यू सर। औरत अब मैं अपनी माओ बहनों बेटियों जो देख रही है माजर के साथ, मैं सबकी बात में जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट ये कहा जाता है कि मेरी बेगम भी मुझे ऐसा कहती है कि अली आपको नहीं पता एक लड़की के लिए कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना इस माशरे में आसान है, अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपना बहुत आसान है। आई यूज टू थिंक बट नाउ आई बिलीव के हाँ कहीं ना कहीं चीजों को हमने उसके लिए आसान बना दिया बिकॉज हमें उसमें कुछ और नहीं। मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करूं, औरत के लिए हमारे मुआशरे के अंदर आगे बढ़ना बेहद आसान है,
सर वो पीड़ा रास्ता बहुत ज्यादा ना भी इस्तेमाल करे तो किसी उसको राहत दे दिया करे, समझ आई नहीं पाती, या अपनियों और जखियों की लूट शेयर सेट पे लगा दे, आई समझ मेरे घर लड़की आई हाँ जिसे हम लोग कहते हैं हाई एंड दल्लागिरी, आई समझ मेरी बात की। और अगर काटे तो काट दो, भाई जान सीने पे जाकर तो लगेगा। इस मुआशरे के अंदर आप हर चीज वो कामयाब अपनी कर सकते हैं यहाँ पे टेढ़ा रास्ता औरत इस्तेमाल करे या मर्द इस्तेमाल करे। डॉक्टर जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि गलत है, लड़की है और एक जमाना होता था, हम आज तक, मैं आज तक किसी गैर औरत से मिल रहा हूँ, अपनी कॉलीग से मिल रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाथ रख के उसको सलाम करूंगा, बहुत ही मैक्सिमम हो गया तो हैंडशेक हो गया। अब तो मुलाकात में देख रहा हूँ कैसे हो रही होती है, अब कोई लड़का लड़की दोस्त है या जानने को लीग्स है, अगर वो मिल भी रहे हैं तो सीधा बजेंगे एक दूसरे के अंदर आके, मतलब ये आपको वाली बात की यार कि थोड़े से ये भी देखेंगे भाई खड़ा है, बाप खड़ा है, कुछ है, इधर फ्रेंड्स हैं जी, अगर तो वापस में दोस्त है और वो एडल्ट कंसेंटिंग है उनको हर्ज नहीं है। अगर हुजूर वाला जब प्रोग्राम हासिल करते हैं और खुदा का वास्ता ऐसे मैं रवैया आज बताना चाहता हूँ कि जो आपके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर या उस चैनल का जो प्रोग्राम मैनेजर होता है या जो भी ऊपर बैठा होता है, मतलब बहलोल सर खातून बैठी आपके साथ आपके सेट पे वहां, उनको पता ही नहीं कि आप कौन है और हम क्या बकवास और पूरा प्रोग्राम आपने संभाला हुआ है, लड़की कभी कॉफी पियो यार, लिटरली मैं एक मिसालें देना चाहता हूँ, लड़कियों का नाम बदनामी करना चाहता हूँ और उन खबीसों को जरूर जलील करना चाहता हूँ, सब समझ गया मेरी बात से। सर इस किस्म की राड़ टपक रही होती है, आप यकीन कीजिए अगर कैमरा कभी आपके सेट का फर्श दिखाएगा तो भीगा होता है और भीगा होता है उस खबीस मर्दों की फौज की राल की जो उस खातून को देखकर टपका रहे होते हैं, वो खातून झुंझुला झुंझुला के वो राल टपकाने की और कोशिश कर रही होती है। तो भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे सबसे बड़ी जरूरत पेट की है, औरत को जब ये लगे कि मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ऐसी हो रही है कि मुझे तमाम मर्दों पे फौकियत हासिल है, मेरा चेक जो बड़ा मोटा है वक्त पे आता है और मुझे चुन 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 करके मेरी प्यार भी देते प्यारी बच्ची, तो कहती है आओ आओ और आओ, आई समझ मेरी बात की, बढ़ गई डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ गई हैरेसमेंट, छोड़ दीजिए बातें, हमने ये रास्ता खुद पेव किया है उसके लिए कि दिस इज एन इजी वे टू डू। सर हम मेल होस्ट हैं, हमें तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करता, तुम तो मुझसे छोटे हो, मेरी उम्र फादर की तरह बैठे होते हैं, मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा कि यार डॉक्टर उमर के पास तो जवानी भी पेश रहती है, समझ आई, दल्लागिरी भी नहीं करता, स्कोप ही नहीं है, प्रोग्राम बुलाया करो, एक आके साथ हावी हो जाता है, तो कमजोरी साढ़े हाथ नहीं आती, अल्लाह ना करे कि मेरी कोई कमजोरी इस किस्म के खबीसों के हाथ में आए, और अगर आ भी गई तो यकीन कीजिए वो मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत होगी, क्योंकि ऐसी कमजोरियां तलाश करने वाले जो है उनके लिए हर चीज एक थ्रेट होता है, आई समझ आपको मेरी बात, और खुदा का वास्ता है तुम ये काम करते रहो सारी जिंदगी, मुझे कहो कि मैं अगर एक लफ्ज गलत कह रहा हूं, have we not faced the same discrimination? I did. Have we not faced the same kind of problems and attitudes? I did. तो फिर अरे भैया तुम तो चलो मुझसे कहीं जवान हो, ये हो सकता है, फर्क नहीं है। डॉक्टर इसका मतलब है अब देखिए ना होता है कहीं light at the end of the tunnel, कहीं नजर आ रही है आपको कि देखिए हम mentally physically भी हमने देखा कि हम बर्गर ही हो गए हैं, जिस तरह का कोई हमारा नीरज चक्र वाला सीन नहीं है, और mentally तो बिल्कुल ही deterioration के पीक पे पहुंच चुके हैं, कोई होप है कि होप हमेशा होनी चाहिए, मायूस आदमी को तो मर जाना चाहिए, होप जरूर है, मगर सर मैं एक बात कहता हूँ, मैं आपको खुल के बात कह देता हूँ, सर हमारे यहाँ कोई भी टेलीविजन चैनल जो है वो इस मुल्क के हर इदारे के ऊपर प्रोग्राम करता है, आज सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी और उड़नी चाहिए बिल्कुल, और उसके अलावा जी आज फलां को कह दिया, आज फलां इदारे को कह दिया, आज फलां इदारे को कह दिया, कभी आज तक टेलीविजन ने अपने गरिमा में झांकने की कोशिश की है? द स्टेट ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स एट द मोमेंट, कभी किसी ने बैठ के 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 जो 4 घंटे पूरे मुल्क के हर मुआशरे के अंदर मौजूद है, धजी औरतें पार्टियों की, इंट्रा पार्टी की, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की, फलाने की, आप एक दिन सोचे कि आप बैठे और सोचे कि हम कहां स्टैंड करते हैं, हमने क्या किया, हमारे अंदर क्या है, हम जो कंटेंट बेच रहे हैं वो क्या कर रहा है, एक दिन अगर कोई टेलीविजन चैनल अपने गरिमा में झांकेगा तब मैं कहूंगा कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल सतून है, मीडिया एक चौथा सतून समझाता है,
सर जिस बंदे ने कभी अपना ऑडिट नहीं करना, कभी सेल्फ सेंसर नहीं करना, कभी सेल्फ असेसमेंट नहीं करनी, कभी सेल्फ एनालिसिस नहीं करना, उससे ज्यादा करप्ट, उससे ज्यादा गलत दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती। आई चैलेंज द एंटायर पाकिस्तानी मीडिया सर्कस कि एक घंटे का प्रोग्राम करके देखें कि हमने पिछले 25 साल से जो आपको बेचा है और जो आपने खिलाया है हमारे बच्चों को उसका नतीजा क्या निकल रहा है। सर आज जो बच्चा 30 साल पहले पैदा हुआ है उसके लिए दुनिया ही यही है, सेलिब्रेशन ही यही है। समझ आ गई मेरी बात? ये है हमारे मुआशरे के अंदर बच्चे का सुनने वाला मटीरियल। आप कहते हैं हमारे बच्चे अदब भी नहीं करते, हमारे बच्चे सुलझा हुआ अदब पढ़ते क्यों नहीं है, वो इखलाक से क्यों आ रही है। नीड टू नो, नीड टू असेस, नीड टू लुक इनसाइड। अगर वो नहीं करेंगे तो कम से कम हम तो आवाज उठाएंगे कि आप ये नहीं कर रहे। सर जिस फर्म के अंदर ऑडिट नहीं होता वहां करप्शन ही करप्शन होती है। वैसे मुझे बहुत ही मजे का लगा, मुझे अक्सर करप्शन तो अभी दुनिया की सबसे ज्यादा काबिले माफी चीज है ना। सर मेरे बख्शिश खुले हुए हैं। बहुत ज्यादा नाराज होता था कि फलां के मजाक के ऊपर एक बहिश्ती दरवाजा है, अगर गुजर के तो सीधा बहिश्ता कौन थे। खुदा की कसम को इससे बड़ी बिदत और इससे बड़ी जहालत कोई मुमकिन नहीं है। आप कह सकते हैं सिर्फ मजारों में नहीं, इस्लामाबाद में कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, यकीन कीजिए, जहां पे बहिश्ती दरवाजे नहीं बल्कि बहिश्ती सौ दर होता है, सौ दर वाला, यानी कहीं से दाखिल हो जाओ। जब तक तुम मफरूज थे, जब तक तुम नीचे महसूस थे, जब तक तुमको पता नहीं था इसी दरवाजे को आ जाओ सीधा आंधे। और तुम पाक साफ होकर बहिश्त के अंदर बाकी तमाम गुरुओं के दरम्यान बैठे चुने का की कसम, हमने तो सर भविष्य को यूं इसी कर दिया है, भविष्य को यूं सस्ता कर दिया है। अब हम ये क्यों डरे, अब हम दोनों से क्यों डरे, कहने मुझे आप ये बताओ। तो अब तो ऐसे ये सब कुछ करके भविष्य आपको मिल जाए। सर मैं तो कहता हूँ अगर मुझे चांस मिल जाए तो इस वजह से पकड़ ही सर किस पकड़ का डर है मुझे आप ये बताइए। मैं भी अगर मुझे कुछ अर्सा बहुत सारे मुकदमा का भी सामना कर रहा है, जमीन के सिलसिले समझ से देख पा रहे हैं। खुदा की कसम माशाल्लाह हमारा निजाम अदल इतना उमदा है कि कोई भी कातिल, कोई भी मुजरिम, कोई भी चोर, कोई भी लुटेरा जो मर्जी करे इस जिंदगी में तो नहीं पकड़ा जा सकता। मैं आपको पूरे मुस्तदे का बता रहा हूं। सर 25-25 साल इस मुकदमे में चलना है और जिसके फैसले को फिर उसी तरह की एक और अदालत में रिवर्ट कर देना है। हजूर वाला यहां किसको किसी का डर है? आपसे टेलीविजन ड्रामा की बात करें, आजकल एक ड्रामा सारे चैनल पर दिखाया जाता है, कमाल ड्रामा है सर। उसमें मरकजी किरदार 9-10 हैं, वो ऊंची कुर्सी में बैठे होते हैं, बाकी सामने सर जी जो एक थोड़ा सा भरम था अदल का, इंसाफ का, सर जैसा वो नारी में बाहर है, यकीन कीजिए ऐसा कभी 75 साल तारीख की इस मोड़ पर नहीं होगा। वो मौलवी का कॉल भी है ना कि कुफर का निजाम चल सकता है, बेअदली का बेइंसाफी का निजाम है वो कभी नहीं चल सकता। बिल्कुल मौला के कायनात ने जो कही है बात, हमेशा उनकी कही हुई बात वैसे तो सुने में लिखे बल्कि वो सोना ही करके निभा, इसमें गुलाम लेकर कुछ सिर्फ नहीं जाइए। हजरत वाला कोई एक बात है जो हम बुलाए बैठे, कोई एक बात है और आपने मौला कायनात का जिक्र कर दिया। मैं कहता हूँ कि वो दिन रस देखना पड़े जब हम ये कहें कि भाई फरमानी अली थी कोई ऐसी मानने वाली और कोई तहकीक की हुई चीज तो नहीं। हजूर वाला वो दिन दूर नहीं। मुझे ये लगता है मैं अब आज की नस्ल को बड़ी कोशिश करूं बड़ी मुश्किल से लेवल ले जा सकता हूँ, तो फिर उसका ऑल्टरनेट मुझे देना, मुझे ऑल्टरनेट देना जिस आपके सामने बॉक्स बनाना टेलीविजन पूरी दुनिया में। मैं कल एक मूवी देख रहा था, वो इंडिया की मूवी है, ट्रंक फेल के बाद ही फेल टू ट्रंक फेल, बड़ा मूवी, एक ऐसे सीएस के ऑपोजिट मूवी है जो कि मुझे ने बताई, आप देखिए अमेजिंग। मैंने देखा कि इतनी लो बजट मूवी है उस पर तो बहुत ऐसा नहीं लगा, व्हाट एक्टिंग, सुपर डायरेक्शन, सुपर स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट एज वेल। सर फिल्म जो थी ऐसी खूबसूरत चीज थी जिसने हमारे माशरे को फिक्र भी दी, हमारे माशरे को ट्रेंड्स भी दिए, फैशन भी करना सिखाया। मैं अगले दिन दिलीप साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो इंटरव्यू लेने वाले कौन थे, मोहम्मद अली साहब, जेबा साहब थी,
मिनिस्टर साहब थे और बड़े अच्छा मैं आई वाज विटनेसिंग सर और बहुत माजरत के साथ जो आज की जनरेशन एक्टर्स की एक्ट्रेसेस की है व्हाट आई विटनेस वाज अ क्लास व्हाट आई मिस हियर नाउअडेज सर इज दैट क्लास में दिलीप साहब को बाबा बोलते हैं साहब बात कर रहे हैं सुपर बैठे होते हैं द वे ही वाज टॉकिंग द वे ही वाज कंडक्टिंग दैट इंटरव्यू आई कुड फील कि यार दो क्लासी लोग बैठ के ना आपस में बात कर रहे हैं और हालांकि तब भी हमारा भाषा का खास तबका एक्टर एक्ट्रेसेस गाने गाने वालों को अच्छा नहीं समझता था बट स्टिल दे यूज्ड टू होल्ड अ क्लास कि आप किस किस्म का फिल्म ले रहे हैं मतलब यही भाई कैमरामैन है उसका दूसरा था ओके ये है पकड़ के जाता है तभी वो उन्हें सात सवाल एक एक सवाल के मुझे कहां से कहां ले गए यही बात भी है कैमरामैन के बच्चों को कैसे लाइब्रेरी ले सर आप लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नहीं है आप सब कुछ ई लाइब्रेरी है ई बुक है तो इसको सर मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ई का पेट नहीं कर सकते दुआ कर सकते औलाद उनकी साहब औलाद हूँ मैं भी साहब औलाद मैं सिर्फ एक बात समझाऊ औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है और आजमाइश के लिए हमेशा अपने रब की मदद मांगो अपने रब से कहो कि तेरा माल है तू ही इसकी हिफाजत कर वो खुदा का वास्ता है वो तमाम वालिदैन जो अपने औलाद का फिक्र करते हैं वो मेरी बात याद रखते वो सिर्फ अपना मामला और अपनी औलाद का मामला जो है वो अपने रब पे छोड़ते हैं उसके प्यारों पे छोड़ते हैं और उसके बाद अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करें अल्लाह बरकत डालेगा हाँ जहां तक बच्चों के पढ़ने का मामला है बच्चों को हल्का से कभी सजेस्ट करते हैं बेटा तुम देख रहे थे नेटफ्लिक्स देखो एक डॉक्यूमेंट्री देखो मैं समझ से किताब पढ़िए एक बार मैं आपको अपना बताऊँ मुझे पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स बर्दाश्त नहीं होते मुझे किसी के चेहरे का नुक्स बढ़ा के बताना बर्दाश्त नहीं होता सर मैं एक डॉक्टर हूँ मैं मेरे दिल में एक और तरह का है रवैया उन लोगों के बारे में जिनके चेहरे किसी बीमारी या किसी पैदाशी नुक्स या किसी रंग की वजह से आपके मेरे हुस्न पे पूरे नहीं करते हाउ डेयर आई कमेंट टू एनीबॉडी सर दुनिया जहान में बॉडी बैशिंग कॉम्प्लेक्शन बैशिंग फैट बैशिंग एक जुर्म बन चुकी है हमारे यहाँ ये मिजाज का सबसे बड़ा टूल है ये याद रखिए मैंने कहता है हमारे यहाँ वेट बैशिंग बॉडी बैशिंग ये हमारे यहाँ और ब्लेमिश बैशिंग हमारे यहाँ सबसे बड़ा टूल है वो है देखो ऑटो ग्रेड है देखो इंजन है देखो ओ पीपा वास्ते दुनिया कहाँ जा रही है आप कहाँ जा रहे हैं एक बात दूसरी बात सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इंडिया की बात करते हैं खुल के बात कीजिए सर उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है इन द मीडिया अंडर प्रोडक्शन ड्रामा मुझे बता दे 5 मिनट का जो नेटफ्लिक्स के कभी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पूरा उतरा और हमारी कई बातें जिस दिन पीटी की सालगिरह होती है पुराने पुराने लोग बैठे थे नई तो आती हुई हो सकते मार रही होती है पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा इंडिया में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था कैसी यूनिवर्सिटी तब पढ़ाया जाता था और अगर पढ़ाया जाता था तो अब किस जगह पे गया पड़ा है अपने गरीबान में देखो खुदा का वास्ता अपनी माजी को याद कर करके उसी की जुबानी कर करके झागरे में अपने मुंह में ये देखो कि तुम जा किस रहे हो द ओनली हकीकत दुनिया में होती वो प्रेजेंट लम्हा मौजूद है लम्हा मौजूद में आप कहां मौजूद है क्योंकि लम्हा मौजूद ये बताएगा कि आपका मुस्तकबिल क्या है एक बार सर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स इज फुल ऑफ इंडियन कंटेंट यस एंड ऑफ व्हाट क्वालिटी एंड व्हाट इंटेलेक्ट आप यकीन कीजिए मैं रात को सोने से पहले अगर मुझे नींद नहीं आ रही आई स्टार्ट वॉचिंग शॉर्ट मूवी मेड बाय सम इंडियन डायरेक्टर 13 मिनट की होगी 13 मिनट में गजब कर दिया उसे ना कोई ग्रामर ना गाना ना ड्रीम सीक्वेंस ना सोशल एंटर कोई चीज कमाल कमाल सोशल इश्यूज के बाद मैं आपको एक और बात करूँ बच्चों को और शुक्र है कि मेरे बच्चे भी बात करी भी मान देते हैं फॉर एग्जाम्पल से मैंने पिछले साल अपने आपको बहुत एंजॉय किया है नेटफ्लिक्स में द क्राउन देखी ओह अमेजिंग मैं कहता हूं द क्राउन देखिए आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड आई वर्क इन इंग्लैंड आई हैव अ ग्रेट ग्रेट रॉयलिस्ट मुझे हमारे टाइम बर्तानिया में लेकर इस पर हिसाब से इंतहा बहुत बहुत दिलचस्पी है बिकॉज शी इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट सर यकीन कीजिए उस सीरीज को देखने के बाद मुझे लगता था कि क्या कोई इस कदर उम्दा बना सकता है एंड आई मस्ट टेल यू उसमें कई ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिसको मैंने कहा बर्तानिया की वफा से पहले अगर देखी हूँ क्या की पेन और पेन बता रहा है एक सवाल है सर और ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्सियल सी बात में करने जा रहा हूँ जी जी ये कहा जाता है कि टैलेंट बहुत है जी मौका नहीं मिलता पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सर
मेरा भी बाहर जाना हुआ, जब हम बाहर जाते हैं तो आप डिफरेंट एथनिसिटी से लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल, बट आई फाउंड आउट कि आई एम सॉरी टैलेंट भी नहीं है सर। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छे एक्टर्स अच्छे हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर मैं कम्पीट करने पे आऊँ उसको अपने नेबरिंग कंट्री से, हॉलीवुड से, इवन ईरानियन एक्टर्स से, ईरानियन डायरेक्टर्स से, सर आई एम सॉरी, मुझे ये लगता है आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि हाँ मेरा टैलेंट भी नहीं सर। मैं फिर से आपको बात बताऊँ हुजूर वाला, ये कोई ऐसा खतरा नहीं है कि यहाँ पे वही इंसान नहीं पैदा हो तो ये बात जगह नहीं करना, ठीक है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, हमारे यहाँ मादनी आंख होती है, मिनरल्स जो है जमीन पैदा होती है सर, वो तो अल्लाह की बनाई हुई है, उसके बाद आप उनको कैसे एक्सप्लोर एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ये आपके हाथ में, आपकी पॉलिसीज के हाथ से, यही हार्ड टैलेंट है हुजूर वाला। अगर हमारे यहाँ कहीं हीरे निकलते तो पेबल्स बन के फेंक जाते, अगर आपके यहाँ एक तो आपके हम भी जो टैलेंटेड लोग हैं वो जाया हो रहे हैं, टोटली जाया हो रहे हैं। सर आप अगर एक ड्रामा बनाते हैं तो ड्रामे का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, उसका लाइट मैन, उसका आर्ट डायरेक्टर, उसका डिटरमिन करता है कि आपकी पिक्चर क्या आएगी, उस पिक्चर में फिर जो शख्स आके देखता है और बोलता है वो एक्टर है। जब तक सेटिंग ठीक नहीं है तो आपके इंसान है दस दिन तकलीफ नहीं। मेरी बात सुनिए, ये बहुत एक अहम बात है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी टैलेंट्स दैट ब्रिंग आउट अ गुड मास्टरपीस। फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि आपका बेसिकली इंटरेक्शन बहुत रहता है हमारे क्लासिक्स के साथ। एक टाइम ऐसा था जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री देयर वर इन पैरेलल, ये वो जो डाइवर्ज हो गए थे, हम बिल्कुल एक खास किस्म की गलरा पे, ओए मैं तेरा इंच कर देंगा, मैं उंच कर देंगा। और फिर इंडिया सिनेमा जो है तब उस वक्त वो सिलसिले बना रहा था, और उस वक्त यश चोपड़ा आपके अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उसके मुताबिक आप सिनेमा करते हैं। आपके सिनेमा में जो आप सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, सो कॉल्ड सिनेमा ऑफ मौला जट, सर जो इतना उमदा हो कि हर वक्त पुलिस के आने से पहले 7-8 टैंक आ चुके हो, समझे जिसका गंडासा ले रहा है, समझे गंडासा नहीं, AK-47 की मार है, हर वाले लोग मिले हुए हैं, हर आउटलॉ को, हर उसके अलावा सर उसकी उसमें खास बात है पूरी कॉलेज पूरी जड़ी है बैंडली पूरा हार से बाहर करके दो बता के सतरा पाके गर्मी करे और जो हीरो ने कही और इंडिकेशन और वो फिर पेट पेट के ताको टाके बुरा हाल करे, उसके बाद उसी फिर एक मां को जेई ओनू तकरीबन 250 किलोमीटर का आवाज दे रे मौलिया, वो तो आवाज रे ये मां। सर आप यकीन कीजिए हमारी साइकी ये है, दिस इज आवर हीरो। अच्छा आप फिल्म की बात करें सर, मैं कहता हूं कोई ड्रामा देखकर तो यकीन कीजिए उसमें एक टॉक्सिक मां है, टॉक्सिक मां वे जावे मां दे नान मुरीद जट्टा वे तेरे जमन देते ठा ये जमन युते फना भाई इस तरह कितने शौक से वो देख रहे ड्रामा इन द 21st सेंचुरी। और आपके बहुत मेरे दोस्त हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिंग ये कर रहे हैं, और मेरे दोस्त हैं जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं, बजाय तेरी बड़ी मुबारक हुए छा गए बाकी। सर दिस इज व्हाट वी लव अ मैन हु हेट्स समथिंग, वी लव अ मैन हु टेक्स द लॉ इन हिज ओन हैंड, वी लव अ मैन हु एक्चुअली हैज अ कंटेंप्ट टुवर्ड्स द फीमेल्स इन हिज लाइफ। कहिए हां या ना, हमारे आपके हवाले से रिग्रेट करने से क्या हासिल होगा, you are actually crying over spilt milk. What has happened in the past cannot be relived. I want to live in the present moment, which is my reality. And I look forward to a very bright future. And that is the only positivity that keeps me going. बिल्कुल कोई रिग्रेट। सबसे बड़ा ड्रीम, सबसे बड़ा ड्रीम बिल्कुल यही है कि मेरा अंजाम बखैर हो। I want to end my life on a peaceful note.
on a happy note, I would love to meet my Lord. आप यकीन कीजिए मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता, इसलिए कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कितने सवालों का जवाब मिलने वाला है, मेरी कितनी मुलाकातें होने वाली है जिनके लिए मैं सारी जिंदगी तरस रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, पता है मुझे जन्नत मिलती है या नहीं मिलती, अगर मुझे यकीन है कि मैं जब आलम बरज़ख में सईदा के साथ की तरफ देखूंगा और वो दर जन्नत पर खड़ी होगी तो शायद उनका दिल पसीज जाए। आई वेट टू सी दैट मोमेंट। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ही है। When you look back, एक सेटिस्फेक्शन फील होती है जो कुछ आपने अब तक जिंदगी गुजारी है। माशाल्लाह अमेजिंग डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कितने प्यारे बच्चे हैं इनके और आज कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचे हुए, अल्लाह ताला उनको और उनके अच्छे नसीब करे। कैसा महसूस होता है द होल जर्नी ऑफ लाइफ? सिर्फ एक बात है, सवाई तशक्कुर के मेरी कोई अचीवमेंट नहीं, मेरे मौला पे करम है, ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस दिल से ये कह रहा हूँ। एवरीथिंग दैट हैपेंड टू मी I was blessed by my Lord. अगर मेरे मौला का करम ना होता और मेरा तशक्कुर ना होता तो मेरी जिंदगी कभी ऐसी ना होती। सर कई दफा मैं रात को जागता हूँ ना, यकीन करे मैं शायद आधे घंटे तक सिर्फ शुक्र करता रहता हूँ कि या अल्लाह तेरा कितना करम है। आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। दोस्तों आपका शुक्रिया, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस पॉडकास्ट को आपने शेयर करना है अपने दोस्तों में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।